जय हिंद दोस्तों. सो आउट ऑफ द मिसलेनियस पोर्शन बेसिक क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं एंड टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग दिस इकोलॉजी घटनाचक्र. हाई लेवल क्वेश्चंस कंप्लीट करते ही हमारा जो घटनाचक्र है इकोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर देयर इन एजेंडा 21? देखिए, एजेंडा 21 के बारे में हमने बेसिक क्वेश्चंस में भी पढ़ा था. एजेंडा 21 में चार एग्रीमेंट्स हैं और ये नॉन बाइंडिंग है. पहली चीज़ याद रखिएगा, बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्रीली एग्रीमेंट है. वॉलेंट्रीली अगर कोई कंट्री इसको अडॉप्ट करना चाहती है तो कर सकती है. और ये किसका है? ये यूनाइटेड नेशंस का है. किस लिए है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है. तो याद रखिएगा, इसमें कितने एग्रीमेंट्स कितने हैं? इसमें चार एग्रीमेंट्स हैं और 21 जो है वो 21st सेंचुरी को डिनोट कर रहा है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड WHO. ऑलराइट, दूसरा बोल रहे हैं, इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग. बिल्कुल सही है, ये नए वेपन्स जो आने केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो क्रिएट करती हैं उससे ये प्रिवेंट करता है. OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है. ठीक है, नोबेल प्राइज़ से याद आए, एक बार नोबेल प्राइज़ सारे कंप्लीट हो जाएं फिर वी विल हैव अ शॉर्ट वीडियो जिसमें हम सारे नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो पहले मैंने सोचा था एक एक करके करें, बट सारे हम एक साथ कर लेते हैं और एक बार नोबेल प्राइज़ की जो अभी सीरीज़ चल रही है, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वो एक बार कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम सारे नोबेल प्राइज़ के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे. ठीक, चलिए देखते हैं. फिर है, इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट द न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग एंड इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू द स्टेट्स, दैट इज़ द पार्टीज, अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स. तो देखिए, ये भी सही है. अब जो मिशन है OPCW, इट इज़ टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन टू अचीव द OPCW विजन टू द वर्ल्ड, दैट इज फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स एंड द थ्रेट ऑफ देयर यूज़. इसके कुछ एम हैं, टू इंश्योर अ क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट रिजीम फॉर वेरीफाइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल वेपन्स. ठीक है, तो एक क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट रिजीम होनी चाहिए टू वेरीफाई एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल वेपन्स एंड उनका री इमर्जेंस भी ना हो. जो हैं उनको डिस्ट्रक्ट किया जाए, उनका री इमर्जेंस भी ना हो, वाइल प्रोटेक्टिंग द लेजिटिमेट नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो. लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, उसका लेजिटिमेट नेशनल सिक्योरिटी भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ केमिस्ट्री. टू ब्रिंग अबाउट यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ OPCW बाय फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नेशनल कैपेसिटी में आके इसको काम करना है. OPCW मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंट 98% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड लैंड मास एज वेल एज 98% ऑफ द वर्ल्ड वाइड केमिकल इंडस्ट्री. सो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनकॉर्पोरेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट्स, देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग. ठीक है, तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और जो भी कॉस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करना बजट्स में स्टेट और सेंट्रल के, जिससे कि ग्रीन अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट हो पाए. पहला स्टेटमेंट ग्रीन इंडिया मिशन का ये फीचर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब हो रहे हैं. दूसरा है, लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू एनहेंस द एग्रीकल्चरल आउटपुट सो एज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर. ठीक है, तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करने के लिए भी ये लाया गया है, जिससे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ पाए और जो फूड सिक्योरिटी है वो सभी के लिए मतलब लागू हो पाए. तो ये दूसरा स्टेटमेंट है. तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि रिस्टोरिंग एंड एनहेंसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स. ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर को रिस्टोर करना, बढ़ाना, साथ ही साथ रिस्पॉन्ड करना क्लाइमेट चेंज के लिए. कैसे? बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स. तो कुछ एडेप्टेशंस लेके आना, कुछ मिटिगेट करना चीज़ें, उनके कॉम्बिनेशन के साथ हमें जो है एनवायरमेंट को थोड़ा सा
क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की तरफ, ठीक है, तो मतलब एक पॉजिटिव एफर्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें थर्ड स्टेटमेंट ही जो है वो सही है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये 8 मिशन्स में से एक है जो कि NAPCC के अंतर्गत आते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका एम क्या है, इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग एंड रेस्टोरिंग एनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। इट एनविसेज अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ग्रीनिंग एंड फोकसेस ऑन मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या, इनका क्या एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए और मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज पे फोकस किया जाए, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जाए, वाटर बायोमास भी हो, मैंग्रोव्स को प्रिजर्व करना, वेटलैंड्स, क्रिटिकल हैबिटेट्स वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आएंगे। हाउ इज़ द NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कैसे अलग है ये आपको बताना है। देखिए NGT को एस्टेब्लिश किया गया है बाय एन एक्ट, जबकि CPCB जो है वो क्रिएट किया गया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। दूसरा है NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट। NGT जो है वो एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है, ट्रिब्यूनल है ये एक्चुअली, ठीक है, ट्रिब्यूनल है ये। सो ये नेचुरल एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो हायर कोर्ट्स पे जो बर्डन है, लेट से कि जो अभी NGT के पास जो केसेस जा रहे हैं, 2010 में NGT बनाया गया था, तो अभी जो केसेस जा रहे हैं अगर वो भी चले जाएंगे तो एक तरीके से बर्डन सम हो रही है, ऑलरेडी हमारी जुडिशरी बर्डन सम है, तो उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए खासकर जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेज हैं वो NGT पर आ सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, इसलिए ये NGT बनाया गया था। तो एक तरीके से उसको बैलेंस और सप्लीमेंट करने के लिए लाए गए थे इन द हाई कोर्ट्स। वेयर CPCB जो है वो प्रमोट करता है क्लेनलीनेस, CPCB ट्रिब्यूनल नहीं है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आएगा, प्रमोट करेगा क्लेनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको इम्प्रूव करने की बात करेगा। तो CPCB इज़ अ बोर्ड जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह लेके आ सकता है और इंश्योर करेगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो सेफ और सिक्योर रहे, ठीक है। सो इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो टू ओनली, सेकेंड इज़ करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को अंडर द NGT एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंट। CPCB एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था September 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। जो प्रिंसिपल फंक्शन है CPCB के वो हैं टू प्रमोट क्लेनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट्स बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करना एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल और अबेट द एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके साथ गलत हो जाता है और सेकेंड सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि CPCB भी जो है वो एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है और वाटर पोल्यूशन एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए जो इन्होंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिंपली बना, तो ये एक्ट के अंदर ही आया था। नेक्स्ट इज प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। टाइलर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो टाइलर प्राइज जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में दिया जाता है, ठीक। तो भाई घटनाचक्र में जब पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेट करना ईजी हो रहा है बिकॉज आपको पता है कि आप इकोलॉजी का घटनाचक्र पढ़ रहे हो, बट वहाँ पर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जा सकता है ये, तो याद कर लीजिएगा टाइलर प्राइज जो है वो किस लिए है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रीमियम अवार्ड है जो एनवायरमेंटल साइंस के लिए दिया जाता है, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनर्जी कन्फरिंग अ ग्रेट बेनिफिट अपॉन मैनकाइंड। 2016 में ये प्राइज़ दिया गया था सर पार्थ दास गुप्ता को जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। टाइलर प्राइज 2018 ये दिया गया था दो बायोलॉजिकल ओशनोग्राफर्स को, पॉल फॉलकोव्स्की एंड जेम्स जे मैकार्थी, आई थिंक ये जापानीज होने चाहिए एंड बट नॉट श्योर। और टाइलर प्राइज 2020 ये दिया गया था पवन सुखदेव जी को एंड ग्रेचिन सी डेली, ठीक है। अब रिसेंट देखेंगे हम करंट अफेयर्स में किसको दिया गया था। राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, तो राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड दिया जाता है फॉर नीट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एफॉरेस्टेशन कंजर्वेशन ऑफ वेस्टलैंड के लिए नहीं है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी नहीं है, हिंदी बुक्स और एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं है, दिस इज़ फॉर नीट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट।
सो इट इज़ गिवन टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज में कुछ इनोवेशन लेके आना या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आना या फिर किसी भी तरीके की ऐसे मेथड का एडॉप्शन करना एंड यूज़ ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस जिससे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो थोड़ा सा ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरह शिफ्ट हो रही हैं, इनोवेट कर रही हैं उस फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन फॉर द अचीवमेंट्स इन, तो ग्लोबल 500 दिया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट अगेन, और ये 1987 में लॉन्च किया गया था यूएन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द एनवायरमेंटल अचीवमेंट। ये जो अवार्ड है इट वॉज अट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑन फ्रंट लाइन्स ऑन एनवायरमेंटल एक्शन एंड ऑनर्ड इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉम्बैट एनवायरमेंटल इशूज डिस्पाइट इमेंस सोशल पॉलिटिकल एंड लॉजिस्टिकल ऑब्स्टिकल्स। अगेन सेम क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 अवार्ड किस लिए दिया जाता है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस, पॉपुलेशन कंट्रोल, कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म, ड्रग्स। हियर इज पॉपुलेशन कंट्रोल, तो सेम रखा है, पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन प्रिजर्वेशन। ओके, आर्टो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस रिड्यू कॉन्स्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोशन प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ आर्टो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। आर्टो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? तो ये किसके अडॉप्शन के लिए? एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक साइकिलिंग रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल किया जाता है वहाँ पे एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएँ, इसलिए ये मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू दैट पर्टिकुलर टूल आर्टो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। सो इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट नीड्स टू बी डन बाई एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रिलेटेड टू रिसाइकलिंग। वंस द कंपनी फॉलोज ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स अंडर आर टू प्रैक्टिसज द कंपनी बिकम्स आर टू सर्टिफाइड। ठीक है, तो एक बार वो सारी प्रैक्टिसज उसके आधार पर कर लें जो उनके एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सक्यूज मी, तो उस कंपनी को आर टू सर्टिफिकेशन मिल जाती है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग कंपनी दैट इज़ आर टू सर्टिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दिस कोड ऑफ प्रैक्टिसेज विल बेनिफिट बाई अचीविंग हायर प्रॉफिट मार्जिन एंड एडिशनल मार्केट शेयर। कैसे? थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसेस एंड द स्टेटस बेस्टोर्ड बाई सर्टिफिकेशन। दस एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री अंडर आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेज। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जब इस तरफ अपना रुख करती है तो उसको फिर आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेज का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, देखिए 1990 से 99 तक था ये। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन नियर बाय ऑप्शन था वो 91 से 2000 है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? वाज टू डिक्रीज द लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन विच इज़ कॉज बाय नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ड्रॉट्स और जो दूसरे डिज़ास्टर्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है, अब पुराना क्वेश्चन है तो इसके रिपीट होने के चांसेस तो नहीं है एनीवेज। सो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देखिए फिर भी नहीं कह सकते हैं, मतलब मैं किसी चीज़ को 100% डिनाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज हो सकता है इन फ्यूचर मैच मेकिंग में आ जाए कि कौन सा डेकेड किस लिए था। तो बस आप इतना याद रखिए कि जो 90s वाला जो समय था वो नेचुरल डिज़ास्टर के लिए था। ठीक है, 1992-99। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, उसको कौन हेड करता है? तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कर सकते हैं। सो DDMA इज़ हेडेड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट। दस डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन झारखंड इज़ हेडेड बाई द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, एनी वन ऑफ देम कैन डू। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड? ये इंपॉर्टेंट है, NIDM जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और ये 1995 में बनाया गया था, उसी समय डेकेड भी चल रहा था नेशनल डिजास्टर का एंड इट वॉज स्टेब्लिश अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन विच ईयर? 2005। इट वॉज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड टू इट। हाउएवर इट केम इन टू फोर्स इन जनवरी 2006। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाता है, फोर्स में सिक्स में आया था बट बनाया गया था 2005 में, तो अगर फोर्स में पूछते तो आंसर हो जाता 2006। When was the National Disaster Management Authority formed? So it was formed in 2000.
ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक ये सेम होना चाहिए. एक्ट पास हुआ था 5 में, अथॉरिटी बनी थी 6 में. ओके, एनडीएमए वाज फॉर्मड ऑन 27 सितंबर 2006 थ्रू डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. ऑन 23 दिसंबर 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच एनविसेज द क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. Which was headed by the Prime Minister and the State Disaster Management Authorities (SDMAs), headed by the respective Chief Ministers to spearhead and implement a holistic and integrated approach. किस लिए? To the disaster management in India. NDMA एक apex body है और इसको it is being mandated to lay down the policies, plans and guidelines for disaster management to ensure timely and effective response to the disasters. और देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक की तरह भी दिया हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में स्पेसिफिकली. तो अगर आपने वो पढ़ा है तो ये सब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस ही उसमें रोल आउट किया गया है यूपीएससी के द्वारा. फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सृजन. फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सृजन आर. इसके क्या क्या फंक्शन है? क्रिएटिंग नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग लोकल बेस्ड नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इसका फंक्शंस हैं. द मेजर फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सृजन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी and the people towards various type of potential disasters. Srijan has been developed and designed for disasters like drought, flood, forest fire, etc. And these centers will work as a major center for spreading local need-based information, communication and technology equipment. Section dash of the Disaster Management Act 2005 empowers the governor of a state to establish a state disaster management authority. कौन सा section है? Section 14(1). देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं आते हैं. जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए पहले MPPCS में जब सिलेबस थोड़ा सा अलग था तो जो SC ST एक्ट हुआ वो अलग से, क्योंकि नंबर ऑफ STs ज़्यादा हैं और तीन एक्ट्स के बारे में उसमें क्वेश्चन पूछ, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. मतलब 20 या इनफैक्ट अच्छा खासा परसेंटेज था उनका, 20-25% क्वेश्चन जो होते थे वो उस पोर्शन से आते थे. उसमें खासकर इस तरह के सेक्शंस स्पेसिफिकली और ये सारी चीज़ें, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी वाला 1955 का जो एक्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से आते थे. 1989 के एक्ट से क्वेश्चन आते थे. तो तीन सिलेबस में तीन मेजर पोर्शन ऐसे थे जहाँ से आते थे. अब देखिए वो पुराना टाइम था, अभी 2-3 साल से सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं तो आई थिंक वो हट गए हैं और कुछ और चेंजेस आ गए. तो वैसे अगर क्वेश्चंस आते हैं किसी में भी, खासकर हम उसको पॉलिटी में देखेंगे, तो वो आते हैं तो वो स्टेट स्पेसिफिक हो गया. अब ये सेक्शंस के क्वेश्चंस जनरली आपको ये, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं जो रेगुलर बेसिस पे आएंगे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अगर नहीं याद हो रहे हैं, माई सजेशन वुड बी टू यू इज़ कि आप इनको देख लीजिए, यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आ रहा है आप रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं. ये आपको आ गया है तो याद हो जाना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिविजन. लेकिन इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं और नहीं पता है तो उसके लिए अपना मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर एक्ट नहीं पढ़ सकते हम पूरा. स्पेसिफिकली अगर आपके हो सकता है झारखंड में मे बी ये दिया गया हो एक्ट, क्योंकि एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया था ये वाला 11th क्वेश्चन. सो मे बी आई डोंट हैव एनी आइडिया, झारखंड के सिलेबस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे ये अलग से स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एमपी का एग्जांपल दिया, तो आप कुछ 3-4 साल जब से भी सिलेबस चेंज हुआ है जो भी टाइम रहा है, बट रिसेंटली हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ, तो उससे पहले क्वेश्चन आते थे एंड इन अ वेरी गुड अमाउंट वो क्वेश्चन आते थे. 19-20-25 तक क्वेश्चन आ जाते थे कभी कभी. सो 20 तो आप एवरेज मान के चलिए. तो वो क्वेश्चन अब आ रहे हैं तो वो स्टेट स्पेसिफिक हैं. अब ऐसा नहीं होगा कि यूपी या झारखंड या बीपीएससी में कहीं वो रिपीट होगा, बिकॉज वो स्टेट स्पेसिफिक हो गया है. तो हो सकता है, ये क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज 2016 में ही ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एंड अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, अगर ये तो चलिए ठीक है, एक स्टैटिक पोर्शन हो गया, और ये अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको स्किप कीजिएगा. ठीक है, तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं. सेक्शन 14(1)
सब क्लॉज वन जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, ये एम्पावर करता है किसी स्टेट के गवर्नर को कि आप स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये स्टैटिक है, याद करने में इसको कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एम्पावरमेंट किससे मिल रही है, सेक्शन 14(1) से। अब लेकिन ये स्पेसिफिकली सेक्शन पूछ रहे हैं, ये हो सकता है भूल जाएं कल को कोई और वो नाम दे दें। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि भाई गवर्नर जो है स्टेट का वो एस्टेब्लिश कर सकता है एक एसटीए में, अगर वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर करेगा कि चीफ मिनिस्टर करेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, दैट इज़ ओके टू नो फॉर यू कि गवर्नर करते हैं। इन ईच स्टेट आफ्टर द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3(1) सब क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट, द गवर्नर शैल एस्टेब्लिश द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ओके। 14(1) में एम्पावर मतलब पावर दी गई है गवर्नर को कि वो बना सकते हैं, और बनाएंगे किसके तहत, सेक्शन 3(1) के तहत। ठीक, सो चलते हैं आगे, इस पर इतना टाइम, बस मैंने टाइम इसलिए लिया टू लेट यू नो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए, घटना चक्र पढ़ने का तरीका भी एक होता है कि आप देखिए कंटिन्यूसली PYQs हैं इसमें 100%, तो अब आपको बस ये देखना है किस पे ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, किस पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अब आप जो प्रेजेंट का जो पढ़ रहे हैं, लेट्स से आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं कि भाई ये बोल रहे हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनाएंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, ये आज भी आ सकता है, 2021 में देखिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कभी भी आ सकता है, बट स्पेसिफिकली उस टाइम का है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं या क्या है, तो ये आपको आइडियाज़ लग जाते हैं और उसी लाइन पर आप चल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नेचुरल डिजास्टर्स कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मैन मेड, इंडिया इज़ अ डिज़ास्टर फ्री कंट्री, बहुत देखिए फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया है, मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 and 4, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम डैमेज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ख़राब हो जाता है उसकी वजह से, उसके बाद रीस्टोर करने में सालों लग जाते हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैन मेड ट्रेजेडी थी, नेचुरल ट्रेजेडी नहीं थी। इंडिया एक डिज़ास्टर फ्री कंट्री है, नहीं भाई, इंडिया में ज्योग्राफिकल जो अगर इंडिया की ज्योग्राफी देखोगे आप तो डिज़ास्टर फ्री नहीं हो सकती इंडिया, बिकॉज इंडिया हर तरह की ज्योग्राफी को सराउंड की है अपने आसपास, तो डिज़ास्टर्स तो आएंगे, नेचुरल है। ठीक है, और कोई लैंड लॉक्ड ऐसी नहीं है कि भाई कल को साइक्लोन्स या सुनामीज नहीं आ रहे हैं, तो लैंड लॉक भी नहीं है, हमारे पास ओशन के कोस्टल स्टेट्स भी हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं। ठीक, तो हमारे डिज़ास्टर फ्री कंट्री नहीं है, और बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसमें अगर लेस या मोर खर्च कर देते तो भी सोचना पड़ जाता है, अब इसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, ट्रू, मैंग्रोव्स रिड्यूस करते हैं, हमने मैंग्रोव्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि उनके जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो उनकी जड़ें जो ऊपर निकल आती हैं, वो इसके असर को थोड़ा कम करती हैं। ओके, बिकॉज पूरा पूरा अगर पेड़ अगर नॉर्मल पेड़ लगे होंगे तो वो क्या होगा, वो उखड़ जाएगा और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बीच में एक बैरियर के तौर पर ये काम करते हैं। सो इंडिया इज़ अ लैंड प्रोन टू मैनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, नेचुरल भी और मैन मेड भी, ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, एवलांच, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिज़ास्टर्स के इंडिया में। और फ्लड्स आर द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया, हैवी साउथ वेस्ट मानसून रेन कॉजेज द ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स टू एक्सटेंड देयर बैंक्स, ऑफन फ्लडिंग द सराउंडिंग एरिया। ओके, देखिए एक चीज़ और इसमें बोल रहे हैं कि इन द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन, जो कि थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वर्जन जो है वो बाद में आया है, बहुत ही लेटेस्ट ये आइडिया है घटना चक्र का, बट इनिशियली हमेशा से ही हिंदी में आती थी। तो ये बोल रहे हैं कि हिंदी वर्जन जो है उसमें जो मीनिंग है ऑप्शन सी का एज़ पर द स्टेटमेंट, वो ये है कि इंडिया एक डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है, फ्री कंट्री नहीं है, मतलब शायद इसका मीनिंग इसमें चेंज हो गया, बिकॉज ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है ना, तो हो सकता है कि वो सही उसमें लिखा हो, डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है इंडिया, तो उस हिसाब से ये सही हो जाएगा, तो इसमें सारे ही सही हो जाने चाहिए, बट इट इज़ अ डिज़ास्टर प्रोन कंट्री एंड नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस बिकम द रॉन्ग, क्योंकि 1, 2 उस केस में तो 1, 2, 3, 4 आंसर होना चाहिए और वो इसमें दिया नहीं हुआ है, बट इंग्लिश वर्जन के हिसाब से 1, 2, 4 ईजिली निकल रहा है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट डिज़ास्टर मेजर, पोस्ट डिज़ास्टर मेजर, डिज़ास्टर हो चुका है अब क्या, तो अब रिकंस्ट्रक्ट होंगी चीज़ें। ठीक है, सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 मेन फेजेस, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, मिटिगेशन एंड रिकवरी। ठीक है, क्या क्या मेन फेजेस होते हैं इसके, प्रिवेंशन,
preparedness, response, then mitigation and recovery. 4RM, sorry, P2R2M. एनीवेज इस तरह से तो याद नहीं रहेगा. तो आपको क्या याद रखना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 5 फेजेस होते हैं. पहले तो बचाओ, प्रिवेंट करो, प्रिपेयर, उसके बाद प्रिपेयर भी रहो, उसके बाद रिस्पोंड करो, फिर मिटिगेट पे आ जाओ, और अगर अब कुछ नहीं बच रहा है तो रिकवर करो, रिकवरी. ठीक है. सो रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी एंड रिस्पॉन्स. रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी एंड रिस्पॉन्स, ये क्या है? ये पोस्ट, अब हो चुका ना, अब तो आ ही चुका. प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, यहाँ तक तो ठीक था कि आप कोशिश कर रहे थे बचाने की, लेकिन अगर किसी भी वजह से नहीं बच पाया है, हो ही गया है, तो क्या होगा? अब रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी और रिस्पॉन्स, ये पोस्ट डिज़ास्टर मेजर्स हैं. प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, ये प्री डिज़ास्टर है, ये तो हमको पहले करना है. बट अगर इनकी वजह से भी नहीं रुक पा रहा है तो फिर क्या होगा? फिर हमें रिकंस्ट्रक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, रिकवर करनी पड़ेंगी चीज़ें और रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट द नेशनल क्लीनलीनेस डे ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ? तो ये है सेरा लियोन, उस समय किसी वजह से हो सकता है न्यूज़ में रहा हो. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज मेगा डाइवर्स कंट्री? मेगा डाइवर्स कंट्री, इनमें से किसको माना जाता है? न्यूजीलैंड, नेपाल, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है आउट ऑफ दिस. सो मेगा डाइवर्स कंट्रीज इज अ टर्म यूज टू रेफर द वर्ल्ड्स टॉप बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज. मेगा डाइवर्स किसको बोला गया? जो टॉप बायो डाइवर्स रिच कंट्रीज हैं. द आइडेंटिफाइड मेगा डाइवर्स कंट्रीज आर USA, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया. तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है. ठीक है. तो दीज आर दोज कंट्रीज़ वेयर इट हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी. सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द परफेक्ट आंसर आउट ऑफ द अबव. Which of the following is called graveyard of dinosaurs? Graveyard of dinosaurs बोलते हैं मोंटाना को. मोंटाना इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इसको graveyard of dinosaurs भी बोला जाता है. EcoMark स्कीम लॉन्च हुई थी 1991 में टू एनकरेज द कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लेस हार्मफुल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. Which of the following consumer product is not notified under this scheme? इसमें क्या notified नहीं है? Soaps and detergents है, paper plastics ये भी है, cosmetics and aerosols भी है EcoMark में, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स. ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं, बाकी सब आते हैं. ठीक है. विद रेफरेंस टू प्री पैकेज आइटम्स इन इंडिया, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेबल एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011. तो देखिए, जब भी आप कोई प्री पैकेज आइटम खरीद रहे हैं, लेट से आपने कोई चिप्स खरीदा, तो उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए? बोल रहे हैं कि एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011, उसके मेन लेबल पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो लिस्ट ऑफ इन्ग्रीडियंट्स, जिसमें कि एडिटिव्स, तो आप देखते हैं कि हाँ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होती है, साथ में उन्होंने क्या ऐड किया, कौन से प्रिजर्वेटिव्स, वो भी लिख देते हैं कि भाई प्रिजर्वेटिव इतना परसेंट हो गया. न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी लिखते हैं, कितनी कैलोरीज किससे मिल रही हैं. ठीक है, कितना फैट है उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं. रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस. देखिए, इतना कुछ नहीं लिखते हैं. हाँ, आजकल एक नया आ गया है कि ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री भी कुछ चीज़ों पर लिख रहे हैं, बट कोई लंबी चौड़ी रिकमेंडेशंस नहीं बता रहे हैं. तो आपको ही पहले इंग्रेडिएंट देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो. लेट से किसी में मूंगफली है, पीनट है, तो अगर इफ़ यू आर एलर्जिक टू पीनट, डोंट ईट इट. ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खींच लेंगे अपने कि वी हैव मैंशन दैट पीनट इज़ प्रेजेंट. सो वी डू नॉट नीड टू राइट ऑल द रिकमेंडेशंस ऑन द फ्रंट और बैक कि भाई ये लोग ना खाएं कि ना पिएं. सो यू हैव टू सी इफ़ यू आर एन एलर्जिक पर्सन टू सर्टन फूड आइटम्स, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे हैव मैंशन द इन्ग्रीडियंट्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आई एम सेइंग. तो रेगुलेशंस में क्या है? लिस्ट ऑफ इन्ग्रीडियंट्स है, जिसमें एडिटिव्स क्या क्या हैं वो बता दिया है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिया है, रिकमेंडेशंस बता दिया अगर कुछ है. ठीक है, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है कि नहीं वो भी बता दिया. तो वो ग्रीन और जो रेड ब्राउन जो भी होता है वो आप देख सकते हैं, तो ये पता चल जाता है. अब देखिए, सारा तो नहीं पढ़ते, जैसे सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है ना, अजीब सा एक
मुंह बना होता है गुटके के या तंबाकू के पैकेट पे भी कि वो कैंसरस सा मुंह बना दिया, लेकिन कौन देखता है? जो खा रहा है वो उसकी तरफ थोड़ी ध्यान देगा, उसने फाड़ा और मुंह में डाला। सो बेसिकली दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू सी द इंग्रेडिएंट्स। ये एक्सरसाइज ही मेंशन कर रहे हैं कि ठीक है भाई रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशंस की बात है तो रिकमेंडेशंस तो उस पर भी, उस पर तो हैं, हम प्री पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रिकमेंडेशन वो तो उस पर दी हुई है ना कि इट इज़ अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो यू डू नॉट नीड टू कंज्यूम। उस पर एक फ़ोटो भी बड़ा भयानक सा डरावना सा बना दिया जाता है, बट स्टिल पीपल आर कंज्यूमिंग वो, क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? सो ये चीज़ें इस पे हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मेंशन करते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होती है, नाम, ये तीन तो होते हैं, तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेम ऑफ द फूड, क्या खा रहे हो, तो भाई चिप्स हैं, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, एनर्जी वैल्यू इन किलो कैलोरीज, अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो कि स्पेसिफाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर भी, फैट इन ग्राम्स और मिलीलीटर, अमाउंट ऑफ एनी अदर न्यूट्रिएंट फॉर विच अ न्यूट्रिशन और हेल्थ क्लेम इज मेड, एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द फूड एडिटिव्स, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। विच इंडियन साइंटिस्ट इज रिकग्नाइज्ड बाई यूनैप एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, तो ये हैं एम एस स्वामीनाथन जी, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के तौर पर रिकग्नाइज किया गया यूनैप के द्वारा। विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत, इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस, इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। सो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये एक पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और प्रमोट करती है नेचर कंजर्वेशन के कॉज को, और मेन एक्टिविटीज़ इसकी हैं नेचुरल हिस्ट्री को कलेक्ट करना, वेरियस स्पीशीज़ और हैबिटेट्स पर रिसर्च करना, कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स एंड सीस्केप्स, एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आउटरीच मतलब कि कैंप, एग्जीबिशन, लेक्चर्स एंड दूसरे इवेंट्स जो हैं, कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी, तो ये सारा करती है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एवरग्रीन फ्रूट प्लांट, एवरग्रीन फ्रूट प्लांट जो है एप्पल, आमंड, पीच, लोकॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, लोकॉट, लोकवैट, पता नहीं, तो ये जो भी है ये एक एवरग्रीन फ्रूट प्लांट है, मोस्टली ये जापान में पाया जाता, अच्छा इसीलिए नहीं पढ़ा जा रहा है, ये नॉर्मल टंग ट्विस्टर है ये, सो इट इज़ लोकवैट, अब तो कुछ भी पढ़ लीजिए जापनीज है तो क्या हमको तो आती नहीं। सो ये एक एवरग्रीन फ्रूट प्लांट है, मोस्टली इसको जापान में देखा जा सकता है, जापान में पाया जाता है। वेदर मॉनिटरिंग, ये कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, UPPCS 2008 में, मे बी उस समय किसी वजह से न्यूज़ में होगा। वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस सोडार इस्टेब्लिश्ड एट, ये है कैगा और कल्पकम में। सोडार मतलब सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक विंड प्रोलीफायर की प्रोफाइलर की तरह से यूज़ किया गया टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव्स बाय एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। सोडार सिस्टम्स आर यूज टू मेजर द विंड स्पीड एट वेरियस हाइट्स एंड अबव द ग्राउंड इन इंडिया। सोडार इस्टेब्लिश्ड एट कैगा, कल्पक्कम, तारापुर एंड ट्रॉम्बे, तो यहाँ पर इनको इस्टेब्लिश किया गया है। विंटर लाइन द नेचुरल फिनोमिना इज ऑब्जर्व इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, विंटर लाइन आपको कहाँ दिखती है, तो विंटर लाइन आपको दिखती है, देखिए ये जो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया अब से लेके जनवरी तक की विंटर लाइन आपको दिखेगी, और ये दिखेगी आपको मसूरी में, ठीक है, तो लबासना जाइएगा, सो वहाँ पे आराम से दिखेगी आपको। व्हेन द सन सेट्स द वेस्टर्न होराइजन टर्न्स अ मीरियड कॉम्बिनेशन ऑफ येलो, रेड, ऑरेंज एंड मॉव कलर, और इसी को बोलते हैं विंटर लाइन, ठीक है, एक बार देखिएगा यूट्यूब पे, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। सो जब सनसेट होता है तो जो वेस्टर्न होराइजन है ये इस पीरियड में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, ये एक मीरियड कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है येलो, रेड, ऑरेंज और मॉव कलर का, इसको विंटर लाइन बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है ये यूनिक है मसूरी और एक अ पार्ट ऑफ द स्विट्जरलैंड ऑल्सो, तो यहीं ये प्रायः देखने को मिलता है, बाकी ये बहुत ज़्यादा जगहों पर आप इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। ग्लेशिएशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एज, ग्लेशिएशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एज, तो ये हुआ प्लीस्टोसीन आइस एज में। मोनोक्लाइमिक्स थियोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मोनोक्लाइमिक्स थियोरी किसने प्रोपाउंड की थी, F.E. क्लीमेंट्स ने। मोनोक्लाइमिक्स थियोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय F.E. क्लीमेंट, अकॉर्डिंग टू द मोनोक्लाइमिक्स थियोरी ऑफ सक्सेशन क्लीमेंट्स 1936, एवरी रीजन हैज़ वन क्लाइमिक्स कम्युनिटी टूवर्ड विच ऑल द कम्युनिटीज आर डेवलपिंग एंड ही बिलीव दैट द क्लाइमेट वॉज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर वेजिटेशन,
तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एफी क्लेमेंट्स ने। और इनका कहना था कि जो एवरी रीजन, हर रीजन के पास एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, जिसके बाद जो टुवर्ड्स विच ऑल द कम्युनिटीज़ आर डेवलपिंग, जिसकी तरफ सारी कम्युनिटीज़ डेवलप कर रही हैं बेसिकली। और ये मानते थे कि जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वेजिटेशन के लिए, एंड द क्लाइमेक्स ऑफ एनी एरिया वॉज सोलली अ फंक्शन ऑफ इट्स क्लाइमेट। ठीक है, तो जो भी क्लाइमेक्स है वो उसके क्लाइमेट का ही एक फंक्शन है बेसिकली, इनका ये कहना था। क्लाइमेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेशन, अगर हम क्रक्स में देखें तो। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट्स डिस्टर्ब बाय द मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सच बर्ड्स। तो अगर आप कंट्री साइड की तरफ वॉक कर रहे हैं, सो यू आर लाइकली टू, कुछ आपको ऐसी बर्ड्स देखने को मिलेंगी अलॉन्ग साइड द कैटल के आसपास, जो कि इंसेक्ट्स को सीज करना चाहती हैं, जो उनके मूवमेंट से मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो कौन सी बर्ड्स हैं बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, कौन सी बर्ड्स जो हैं वो कीड़े खा रही हैं बेसिकली। सो पेंटेड स्टॉक, कॉमन मैना एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसका आंसर है टू ओनली, कॉमन मैना आपको मिल जाएगी। डॉक्टर सलीम अली एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे। ही समटाइम्स रेफर टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया ऑल्सो। इन्होंने अपनी बुक में द हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉल्यूम 5, ही रोट दैट कॉमन मैना स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल सीजेज द इंसेक्ट्स डिस्टर्ब बाय द मूवमेंट थ्रू ग्रासेस। पेंटेड स्टॉक इज फाउंड ऑन द सदर्न हिमालयस एंड फीड ऑन स्मॉल फिशेज नियर द वेटलैंड्स। ब्लैक नेक्ड क्रेन इज फाउंड इन तिब्बतन प्लेटो, भूटान, अरुणाचल एंड लद्दाख। इट इज़ एन ओमनीवोर एंड ईट प्लांट रूट्स, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे कम, लोएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेट एट विच द एनर्जी इज कन्वर्टेड बाई फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि किस रेट से ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी कितनी है उस रीजन में, और द सिस्टम इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड ये अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है पर ईयर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर पर ईयर होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है स्क्वायर होती है, और ट्रॉपिकल सवाना की 700 ग्राम पर सेंटीमीटर पर ईयर होती है। तो सबसे ज़्यादा होगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, सबसे कम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स ही, उनमें ब्रॉड लीव्स नहीं है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबली नहीं हो पाती हैं। द मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सो इट इज़ लोकेटेड इन कच्छ। ये हमने पहले भी देखा था, जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ में है ये। मरीन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द सदर्न शोर ऑफ द गल्फ इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विथ 42 आइलैंड्स। भितरकर्णिका विच हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ पर है? तो ये अब तो बहुत ईजी हो गया, इतना भितरकर्णिका आपने पढ़ लिया होगा। इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ये क्वेश्चन पूछा था 2008 में। सो इट इज़ द लोकेशन ऑफ रिच लश ग्रीन वाइब्रेंट इको सिस्टम विच इज़ लाइंग इन द एश्राइन रीजन ऑफ ब्राह्मणी बेतरणी रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। देखिए, अभी के टाइम पे हम बोलते हैं ना ईजी, जैसे आई ऑल्सो सेड ईजी, इट इज़ ईजी बिकॉज वी हैव दिस इंटरनेट फैसिलिटी। ये क्वेश्चन 2008 का है या उससे पहले, इवन टिल 2015-16 भी उतना ज़्यादा आपके पास पेनिट्रेशन नहीं था। अभी क्या है ना, आपको सब कुछ हम लोगों को मिल रहा है, तो हम इतनी बार उसको सुन लेते हैं नेचुरली। अगर मान लीजिए कल को इसको कोई अवार्ड मिलता है तो इंस्टा पे, फेसबुक पे, ऑन यूट्यूब, एवरीवेयर यू विल बी फ्लडेड विद द न्यूज़। तो कोई अगर इस प्रिपरेशन में नहीं भी है तो ये जो उड़ती उड़ती चीज़ें सबको ही पता रहती हैं। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एक माध्यम होता था, न्यूज़पेपर, या फिर आपको मंथली मैगजीन मिलती थी, तो उस समय के लिए ये भी क्वेश्चंस बड़े होते थे। ठीक है, बट अभी हम इसको ईजिली इसलिए बोल देते हैं बिकॉज ये हर जगह फ्लडेड है ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। सो एनी वेज, उड़ीसा में है। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। सो लिस्ट वन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिस्ट टू है स्टेट। नामदफा, बांदीपुर, पेरियार और लामजाओ। देखिए, केबल लामजाओ वेरी फेवरेट टॉपिक अगेन एल से। तो ये है कहाँ पर? मणिपुर में फुमड़ीज मिलती हैं यहाँ पर। पेरियार
केरला, बांदीपुर कर्नाटका, नामदफा अरुणाचल। ठीक है, द फाइव राइनो रेंज रीजन्स नेशंस हु साइंड अ डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019। कौन कौन से वो रेंज रीजन्स हैं, राइनो रेंज रीजन्स? इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। अभी पांचवा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लैंड बॉर्डर से ही सारे जुड़ गए हैं, भूटान में भी चला जाएगा ना, नेपाल तक गया तो भूटान। सो पांच कौन, चार कौन कौन से हैं, सॉरी पांच कौन से हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, सो दीज आर द राइनो रेंज नेशंस, दे हैव साइंड अ डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज एट द रिसेंटली हेल्ड सेकेंड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज मीटिंग। इट इज़ नोट वर्दी दैट द सेकेंड एशियन राइनो रेंज कंट्री मीटिंग फ्रॉम फेब्रुवरी 26 to 28 इन 2019 ये हुआ था न्यू दिल्ली में और ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद IUCN, एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप, WWF, इंडिया एंड आरण्यक। ठीक है, तो राइनो रेंज कंट्रीज आप याद कर लीजिए, इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूटान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर द टीक फॉरेस्ट इन इंडिया? मैक्सिमम एरिया अंडर द टीक फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। एरिया वाइज मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये टॉप फाइव है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज की अगर हम बात करें तो टॉप फाइव स्टेट्स में आ जाएंगे आप। ये तो एरिया हो गया, परसेंटेज में बात करें तो मिजोरम, देन अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ गए, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और 2021 की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम एरिया जो है अंडर टीक फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। रिसेंटली देर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल गिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया। तो देर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, किसका सस्टेनेबल सोर्स है ये? टेक्सटाइल फाइबर का। ठीक है, हिमालयन नेटल जो है इट इज़ अ फाइबर यील्डिंग प्लांट और हिमालयन रीजन में मैनी पीपल हैव मेड इट एन इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड ऑप्शन बिकॉज ये सस्टेनेबल सोर्स है टेक्सटाइल फाइबर का। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सा है दुनिया का सबसे ज़्यादा? ये है एकॉर्निया। अमंग द कॉमन एक्वेटिक वीड्स एकॉर्निया क्रेसिपिस दैट इज़ अ वाटर हाइसिंथ, ये सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और विशियस एक्वेटिक वीड है। वाटर हाइसिंथ हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेजिव वीड ड्यू टू इट्स रैपिड स्प्रेड, इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स इट कॉजेज ऑन द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। वाटर हाइसिंथ डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द अमेजोनिया बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड होल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बींग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेनुअस वाटर वीड्स टू मैनेज। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ जो है अपना ओरिजिन कहाँ से इसका है? अमेजोनिया बेसिन इन साउथ अमेरिका, वहाँ से ही ओरिजिन हुआ है। सो वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड जो है वो एकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट चरखा इज और आर ट्रू? ये इनॉग्रेट हुआ नोएडा में और ये बना है प्लास्टिक वेस्ट से। देखिए ये जो है ऑन द ईव ऑफ महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी इंडियाज लार्जेस्ट चरखा मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक ये इनॉग्रेट किया गया नोएडा में। तो दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? अभी 2020 की बात कर रहे हैं तो उस समय 8 और किए थे। सो 8 इंडियन बीचेस स्प्रेड अक्रॉस द 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरेटरीज इनको अवार्ड दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय एन एमिनेंट इंटरनेशनल ज्यूरी विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनैप, UNWTO, United Nation World Tourism Organization, FEE, Foundation for Environment Education and IUCN, International Union for Conservation of Nature। Beaches जिनको award मिला है blue flag का वो कौन कौन से हैं? शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात में है, घोघला दीव में,
करार कोड और पादुबिद्री कर्नाटका, कप्पड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्रा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार एंड गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो हैं 8 बीचेस हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉयल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? मिट्टी बचाओ सेव द सॉयल मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये शुरू हुआ था होशंगाबाद MP में, और होशंगाबाद का नया नाम इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज़ नर्मदापुरम। सो मिट्टी बचाओ सेव द सॉयल मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन 1977। तो इसके अगेंस्ट ही शुरू हुआ था मिट्टी बचाओ सेव द सॉयल, किसके अगेंस्ट? तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तवा इज़ द नेम ऑफ रिवर एक्चुअली। तो तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद ये शुरू हुआ था 1977। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फिर से, 16th September। सो 16th September डिजिग्नेट किया गया एज द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो डिजिग्नेशन है ये दिया गया था ऑन December 19, 2000 इन कमेमोरेशन ऑफ द डेट इन 1987, क्योंकि उस समय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था एंड ऑन इट वॉज साइंड ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2021 इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन कूल। एंड इति समाप्ता, इसी के साथ इकोलॉजी घटना चक्र हमारा कंप्लीट होता है। वी हैव क्लियर्ड माइलस्टोन अगेन। सो एक और घटना चक्र हमने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है पूरा, आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं। इकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया है आज, इसको भी अब आप पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको कभी भी चेकआउट कर सकते हैं। जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं इसको खोलिए, मल्टीपल टाइम्स इसका रिविजन कीजिए, कम से कम 3-4 बार सुनिएगा। एक बार आप आराम से सुनिए 2 बार, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड पे करके सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस ही हैं जो 1 घंटे से ऊपर हैं, बाकी आपके वीडियोस अराउंड 40 मिनट्स 45 मिनट्स में आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट किया गया है। सो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए बाद में 1-2 बार आराम से सुनने के बाद, और कंपैरेटिवली आप इसका जल्दी जल्दी रिविजन की, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप ऐसे टाइम पर हैं जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे, तो वीडियोज़ इसीलिए होते हैं, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो भी देखना है, नॉट ओनली दिस, आपको जो भी देखना है इस तरह के, अगर 1-2 बार आप आराम से बैठ के देखिए, फिर उसको रिवीजन के लिए आप क्या कीजिए, जस्ट आप ईयरफोन लगाइए एंड यू कैन लिसन टू देम मल्टीपल टाइम्स। तो क्या होगा ना कि आप, लेट्स से कि आप एक प्लेलिस्ट आज अभी आप रीड कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो आप एक उसका वीडियो सुनिए, दूसरा दूसरी प्लेलिस्ट का सुनिए, 2 पैरेलल आपके लिए सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद बाकी तो हम अभी अपलोड कर ही रहे हैं, तो आप इसको करते रहिए और कंटिन्यूसली रिवाइज़ कीजिए। देखिए PYQs में से अगर आपका इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट भी फंस सकते हैं और द काइंड ऑफ क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, क्योंकि अब आपको तरीके पता चल गए हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्या होगा ना कि आपके इस रिविजन से, सिर्फ PYQs और इन सारे रिविजन से 70% आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी आपका बचा स्टैटिक करंट अफेयर्स, वो हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पक्के हो जाने हैं अगर आप एक बार पूरा जी जान से इनको रिवीजन पे लगा देंगे। अगर सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, सो रिवाइज़ करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें, करते रहें एंड सी द रिज़ल्ट। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।